बचपन बाधी की राखी नमन को। चलो आओ। ये छोटा सा गिफ्ट किरण के लिए नमन की तरफ से। काश दुर्गा दीदी, लक्ष्मी और जानवी होते तो कितना अच्छा होता। ऐसी क्या बात है, अभी फोन कर लो। मेरी तो दुर्गा दीदी और लक्ष्मी से आज सुबह ही बात हुई, लेकिन जानवी से बात नहीं हुई। तो क्या हुआ, उसे अभी फोन कर लेते हैं। गौरी, हेलो। हेलो सरस्वती दीदी, कैसी हैं आप? अरे जानवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम तुम्हें ही फोन करने वाले थे। मुझे गौरी दीदी ने युवराज के बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं युवराज से कैसे बात करूं। देखो जानवी, हम सब बीती बातें भूल गए हैं, अब तुम भी भूल जाओ। आज रक्षाबंधन है, लो युवराज से बात करो, वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो जानवी। युवराज मुझे माफ कर दो। नहीं जानवी, आज राखी है, आज के दिन माफी नहीं मांगी जाती है, बल्कि भाई के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगी जाती है। मुझे बताओ कि तुम हम सब से मिलने कब आ रही हो? पिताजी के इलेक्शन का काम चल रहा है और कल चुनाव का फैसला होने वाला है। बस थोड़े दिनों में ही मैं वहाँ आ जाऊंगी। भैया मैं वहाँ राखी बांधने तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी उम्र बहुत लंबी करे। ठीक है, रखती हूँ। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हम आपसे वादा करते हैं कि जो सत्ता का बल आपने हमें दिया है, उसका पालन हम तन मन धन से करेंगे, वो भी अपने गांव के विकास के लिए। आकाश सूरज प्रताप सिंह, ठाकुर सूरज प्रताप सिंह, जिंदाबाद। आप सबके साथ की वजह से पिताजी ये चुनाव पूरे 70,000 वोटों से जीते हैं। देखा बड़े ठाकुर, हमने कहा था ना इलेक्शन आप ही जीतेंगे। कैसा सिट्टी पिट्टी गुम हो गया रमा शंकर तिवारी का। ठाकुर सूरज प्रताप सिंह, ठाकुर सूरज प्रताप सिंह। रमा शंकर तिवारी के यहाँ भले मातम छाया है, पर हमारे यहाँ जश्न का माहौल है। अरे देर किस बात की है, फिर से शुरू हो जाओ। सबको संभालो, हम अभी आते हैं। ठीक।
रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, पापा है ना आपके पास, हाँ रोते नहीं। प्रतीक्षा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो पापा आ गए ना आपके पास, शांत हो जाओ। नीति, आई एम रियली सॉरी। दरअसल प्रतीक्षा अकेले रो रही थी और कमरे में भी कोई नहीं था। युवराज, प्रतीक्षा तुम्हारी ही बेटी है और तुम्हें उसे प्यार करने का पूरा हक है। गलत तो मैं थी जो मैंने तुम्हें प्रतीक्षा से दूर रहने की बात की थी। जैसे मैं उसकी माँ हूं, वैसे तुम भी तो उसके पिता हो। और एक बेटी को उसके बाप से अलग करने का मुझे कोई हक नहीं है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। मैं आज तक आपसे बहुत दूर था क्योंकि आपके पापा से कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं आइंदा कभी कोई गलती नहीं होगी। आपके पापा आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, आपको दुनिया की वो हर खुशी देंगे जो आपका हक है। प्रतीक्षा, रमाशंकर तिवारी बाहर निकल। कि आप अंदर नहीं जा सकते। कुत्ते के गुर्राने से शेर के कदम कभी नहीं ठहरते। हट। रमाशंकर तिवारी बाहर निकल। हमसे चुनाव में हार गया तो उसके शर्मिंदगी में घर के अंदर मुंह छिपाकर बैठा है क्या? बाहर निकल। मिठाई खा। तेरे लाख पैतरे बाजी के बाद भी हम जिंदा हैं और साथ ही साथ हम सरपंच का चुनाव भी जीत गए। पूरा तो तुझे बहुत लगा होगा कि हमारी सांस नहीं टूटी है, पर तुम्हारा सरपंच बनने का सपना जरूर टूट गया तिवारी। तेरी बदकिस्मती की हम जिंदा बच गए, पर तेरी खुशकिस्मती ही है कि तू अभी तक जिंदा है तिवारी। ले, हमारी जीत और तेरे जिंदा बचने के खुशी में मुंह मीठा कर ऐसे नहीं मानेगा, हम अपने हाथों से खिला देते हैं तुझे। ले। ये का किया? अरे शुद्ध घी के लड्डू हैं। तेरे खून की तरह नहीं जिसमें मिलावट है, समझा? बैठकर हमारे जीत के लड्डू खा और एक बात अपने पल्ले से हमेशा हमेशा के लिए बांध ले, शेर की खाल पहनने से सियार जंगल का राजा नहीं बनता। और अगर हमारे घर परिवार की ओर कभी तूने आंख उठाकर देखा तो माई कसम
आंखें नोच कर चील कौओं को खिला देंगे। छोटी सी जीत पे इतना नाच रहे हो ठाकुर, बहुत इज्जत की बात करते हो। इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाई जाती है ये हम तुझे बताएंगे। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और एक बात कहूं, क्यों ना हम फिर से शादी कर लें? शादी? हाँ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें घर से भगाने की बात कर रहा हूं मैं। इसमें इतना शर्माने की क्या बात है गौरी? जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे बीच में इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार और शादी, एक बार और हनीमून, और हम अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखें। आकाश जी बस। जानते दिन में सपने देखने वाले को क्या कहते हैं? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली ही सही, लेकिन मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। गौरी एक मिनट, आप आए। आकाश तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करती हो ना आकाश, फिर अचानक ये दूर जाने की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे लिए यही सही, हमारे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम ये रिश्ता यहीं खत्म कर दें। देखो पायल, तुम एक मैच्योर लड़की हो, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। नो नो, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग आकाश, मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़कर। आकाश जी यहाँ ये ना, वो देखिए। मैं गौरी के साथ हूँ और जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। ठाकुर साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद। पिताजी चुनाव जीतने की बहुत बहुत बधाई।
हमने और नई दुल्हन ने आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आप जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे। ये बात है तो चढ़ावा जरूर चढ़ेगा। अरे आओ भाई, आज तो खुशी का दिन है। बड़े मिठाइयां खिलाओ। ठाकुर साहब जिंदाबाद। ठाकुर साहब जिंदाबाद। आप सबके सहयोग के लिए हम मन से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और सिर्फ जय गांव नहीं, आप सब हमारी जिम्मेदारी हैं। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें आप सबके सहायता की आवश्यकता है। ठाकुर साहब, हम सब लोग हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्ते। चलिए जानवी, 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 ये क्या? तुम यहाँ अकेले में रो रही हो? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? नहीं तो, बस ऐसे ही। जानवी, बताओ मुझे, क्या बात है? निखिल, कल रक्षाबंधन था। और पता है कल? कल गौरी दीदी का जन्मदिन भी था। मैं उनसे मिलने नहीं जा पाई, इसलिए उनकी याद आ रही है। अच्छा, इसलिए तुम रो रही हो। जानवी, मैं समझता हूं, पर चुनाव था इसलिए हमें रुकना पड़ा। अब जब वो जीत गए हैं तो मैं तुम्हें खुद वहां ले चलूंगा, अपने साथ। आई प्रॉमिस। सच निखिल? नहीं, मजाक कर रहा हूं। काहे इतनी देर से टहल रहे हो इधर उधर? कुछ बताइएगा, का सोचा है आपने? सोच लिया है भुतन, सब सोच लिया है। तो फिर बताइए ना, काहे इतना परेशान है? पूंछों पे ताव देके हमें बड़ी खरी खोटी सुनाकर गया है ना वो सूरज प्रताप सिंह। भुतन, हमने उसकी तबाही और बर्बादी का ऐसा सामान तैयार किया है कि अपने घर की कोठरी में सर टकराएगा और खून के आंसू रोएगा। अब हम उसे सुनाएंगे, और जिसे वो अकेला नहीं, उसके साथ साथ पूरा गांव सुनेगा। हमारे घर आकर खुशियों के बड़े लड्डू फोड़ कर गया है ना वो, रोएगा उस दिन को जिस दिन उसने रामा शंकर तिवारी से पंगा लिया था।